दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का जेस्टर हिंदी में। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आगे गाड़ी कैसे लेके जाने, ये हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले। तो वीडियो लास्ट तक देखना कि हम लोग क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर इनका इस्तेमाल करके गाड़ी आगे कैसे लेके जाना है, रुकना कैसा है या गियर कैसे चेंज करना है, गाड़ी आगे लेके जाते टाइम क्या प्रॉब्लम होते हैं, ब्रेक कैसे लेना है, एक्सीलेटर कैसे दबाना है या क्लच कैसे छोड़ना है, यह सब एक ही टॉपिक में कवर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लच दबा फुल, ब्रेक ले। अगर समझ, अपन आगे जा रहे हैं, अब चलती गाड़ी में रिवर्स गियर डाल दिया तो क्या होगा? चलती गाड़ी में रिवर्स गियर आगे जा रहे हैं। अच्छा, गलती से तूने गाई गाई में रिवर्स गियर ले लिया तो गाड़ी रुक जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है रिवर्स गियर ले लिया तो क्या लगता है, बंद पड़ जाएगी गाड़ी। अच्छा, दोनों भी गलत है। देख, आगे जा रहे हैं मतलब क्या है, अपन आगे जा रहे हैं ना, अपन मतलब गियर आगे के साइड से घूम रहे हैं। अभी रिवर्स गियर कैसा होगा, फिर तूने क्लच भी दबा दिया तो रिवर्स गियर क्या करता है, गाड़ी को उल्टा घुमा रहा है। उसका मैकेनिज्म अलग ही है, मतलब जब भी तेरा गियर बॉक्स घूमेगा तो उल्टा घूमेगा। तो सीधा घूमने वाली चीज़ में उल्टा घूमने वाली चीज़ अटैच कर सकेगा क्या? नहीं, इंजन में प्रॉब्लम है। नहीं, इंजन तो अलग ही रहेगा, ये तो गियर गियर का है, गियर गिरेंगे ही नहीं, याद रख। अगर गलती से ले भी रहा है, कितना भी ताकत लगा, गियर ही नहीं गिरेगा, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है, सारे गियर आगे के साइड में घूम रहे हैं। अगर तेरे को रिवर्स गियर लेना है तो प्रॉपर गाड़ी रुकानी पड़ेगी इस तरह। अच्छा। और फिर रिवर्स गियर लेंगे हम। ओके, समझा? तो चलती में अगर गलती से पीछे का होगा तो होता ही नहीं, होता नहीं ना। हाँ, गियर ही नहीं गिरेगा क्योंकि आगे घूम रहे हैं ना सब गियर, पीछे वाला गियर कैसे आएगा, मैच ही नहीं होंगे, अटैच ही नहीं होंगे एक दूसरे। रुकेगा गाड़ी जब भी होगा। हाँ, अभी रुक गया, अभी ले सकते हैं रिवर्स गियर। मेरे को पता रिवर्स गियर कैसे लेते हैं, बस अभी चलती गाड़ी में लेंगे तो ये इधर ही अटकेगा, ऐसे इधर ही अटक जाएगा, ऐसे ऐसे पीछे ही नहीं होगा, समझ गया? और फिर गाड़ी चर्र करके आवाज आएगा गियर का कि एक दूसरे को टकरा रहे हो, समझा? अभी फर्स्ट गियर ले, आगे जाना है, चल धीरे धीरे आगे चल। गियर नहीं लगा बराबर। क्यों नहीं लगा गियर? आधा क्लच दबाया था। नहीं, पूरा क्लच है अभी, पहले जब भी गियर नहीं लगा छोड़ के फिर से करता हूँ। क्या अब गियर में गाड़ी है? गियर में गाड़ी है और चालू गाड़ी थी, अभी गाड़ी बंद है। गियर में थी ना गाड़ी, फिर क्लच छोड़ दिया। और क्लच कैसे छोड़ते हैं? आराम आराम से, फिर सीधा पैर हटा दिया तो यही होगा, फिर गाड़ी झटका दे के बंद हो जाएगी। क्लच दबा, न्यूट्रल कर पहले तो उसको, कुछ नहीं समझ रहे तो न्यूट्रल तो कर दे, अभी चालू कर। हो गया, अभी मालूम है फर्स्ट गियर लेना है, अभी धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। गई आगे गाड़ी, बस इतना ही करना है। क्लच दबा फिर से, ब्रेक रुका दे। ये आवाज कैसा है? कौन सा? धड़ 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 ना? नहीं नहीं, छन करके ऐसा आवाज आया। ओ, सीएनजी पेट्रोल और सीएनजी कन्वर्ट हो गया, मतलब पेट्रोल में चल रही थी गाड़ी, सीएनजी में गई, टंग करके पीछे टाकी का आवाज आया ना। अच्छा, वापस चल थोड़ा आगे हल्का। रुक जा, क्लच दबा फुल, ब्रेक, चल रिवर्स गियर ले, अभी न्यूट्रल, ऐसे ताकत नहीं लगाने का, फिर उधर पीछे, कोई भी बीच वाले गियर से गियर गिरेगा ही नहीं, समझ? जैसे आगे ये पांचवा था, पांचवा से सीधा रिवर्स आएगा ही नहीं, गिर रहा है क्या? न्यूट्रल करना, अटक गया ना, उसको न्यूट्रल करना ही पड़ेगा, उसके बाद में ऐसा आएगा। कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी गियर ले, आएगा ही नहीं, उसको न्यूट्रल करके प्रॉपर फिर पीछे लेना पड़ेगा। चला भाई, छोड़ क्लच, पीछे रिवर्स छोड़, घुमा लेफ्ट में, लेफ्ट घुमा फास्ट,
लेफ्ट फटाफट घुमा, क्लच दबा के घुमाने का, घुमा घुमा, हल्का क्लच छोड़ते रहे, धीरे धीरे क्लच छोड़, हल्का छोड़ छोड़, क्यों बंद हुई, तीसरे पांचवे पे नहीं, रिवर्स, गाड़ी तो रिवर्स ही आ रही है ना, बंद क्यों हुई फिर, क्लच ज़्यादा छोड़ दिया, एक तो अपन ऐसा थोड़ा चढ़ान में ऊपर से क्लच भी ज़्यादा छोड़ दिया, गाड़ी घुमा मत, घूमेगी भी नहीं, क्लच दबा, पावर स्टीयरिंग बिना चालू किए घूमती ही नहीं, चालू कर गाड़ी, हो गया, इधर घुमा ले मेरे साइड, घुमा फास्ट, हो गया, धीरे धीरे क्लच छोड़, और हल्का एक्सीलेटर दे, गाड़ी नहीं जा रही है पीछे क्लच छोड़ने के बाद भी, तो हल्का एक्सीलेटर देने का, थोड़ा सा दे, थोड़ा पहले एक्सीलेटर दे के रख, दे दे थोड़ा, हाँ इतना बस हो गया, क्लच दबा वापस, घुमा राइट, चल फास्ट घुमा, एक्सीलेटर मत दे, फर्स्ट गियर ले, आगे जाना है ना अभी तेरे को, तो घुमा राइट फास्ट, घुमा फटाफट फटाफट, घुमा घुमा, बस होल्ड कर, अभी लेफ्ट में घुमा वापस, फास्ट फास्ट फास्ट, इधर घुमा ले लेफ्ट में, और बस सीधा कर, क्लच दबा, ब्रेक ले, तो न्यूट्रल कर गाड़ी को, हैंड ब्रेक ऊपर कर, बंद कर गाड़ी, चल अभी तो आ। I hope दोस्तों आपको सब समझ गया होगा क्लच ब्रेक एक्सीलेटर कैसे छोड़ना है या इनका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर कुछ समझा हो या कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो होगी अपने यू टर्न कैसे लेना है। ओके बाय।